किया, क्या किया? ऑन। स्त्री सेट किया, क्या किया? स्त्री। अब हमने एचडीएमआई केबल लगाई, एचडीएमआई केबल से प्रोजेक्टर में आउटपुट आई, क्या आई? आउटपुट। एचडीएमआई केबल से आउटपुट, प्रोजेक्टर को आउटपुट मिल गई, ठीक है, प्रोजेक्टर को इनपुट मिली और लैपटॉप से आउटपुट, ठीक है, लग गई। अब हमारी स्क्रीन आ गई है, अब ये स्क्रीन आ गई है, अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले क्या दबाओगे? विंडो प्लस पी। क्या? विंडो प्लस पी। 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 दबाओ विंडो, विंडो का स्विच कहाँ है? विंडो प्लस पी, ठीक है, विंडो प्लस पी तो आपने दबाया, तो क्या ऑप्शन आया? फर्स्ट ऑप्शन इज पीसी स्क्रीन ऑन, सेकंड ऑप्शन इज डुप्लीकेट, थर्ड ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज सेकंड स्क्रीन ऑन, पीसी स्क्रीन ऑन, थर्ड सेकंड ऑप्शन इज डुप्लीकेट, थर्ड ऑप्शन इज स्कैन, क्या स्कैन, फोर्थ ऑप्शन सेकंड स्क्रीन ऑन। कौन कौन से पे नहीं जाना? पहले वाले पे नहीं जाना, किस पे नहीं जाना? पहले वाले, पहले वाले पे नहीं जाना, नहीं जाना, फोर्थ पे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, स्क्रीन सेकंड स्क्रीन ओनली पे हमें नहीं, मतलब हमें किन चीजों से मतलब? दो मतलब, पहला मतलब डुप्लीकेट, ठीक है, सेकंड एक्सटेंड। डुप्लीकेट क्या होता है? इसकी दूसरी कॉपी वहां चलेगी, अगर वहाँ पे नहीं चलाना तो यहाँ पे चलाना है। राम और श्याम में अमिताभ बच्चन की कॉपी, अमिताभ बच्चन, सपोज ठीक है, डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट। लीला राम एक, दूसरा भी लीला राम, ठीक है, दो राम और श्याम आ गई, ठीक है, राम भी वही है श्याम भी वही है, जिसे बोलते हैं डुप्लीकेट, एक ही चीज की दो कॉपी होने को बोलते हैं डुप्लीकेट। अब हमारे प्रोजेक्टर में लैपटॉप पे क्या आ रही है स्क्रीन? डुप्लीकेट। मैम जरा फोकस क्या करेंगे, लैपटॉप पे स्क्रीन जो आ रही है ये है मेन स्क्रीन, ठीक है, इसकी डुप्लीकेट आ रही है हमारे पास सामने, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया है, किस पे क्लिक किया है? किस पे क्लिक किया है? डुप्लीकेट पे। अगर हम एक्सटेंड पे क्लिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? एक्सटेंड पे क्लिक। अब मैंने किया एक्सटेंड पे क्लिक, जैसे मैंने एक्सटेंड पे क्लिक किया स्क्रीन क्या हो गई? बड़ी। क्या हो गई? बड़ी। एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना, तो आपने स्क्रीन को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपके पास लैपटॉप की स्क्रीन ये है, ठीक है, इसके साथ में एक स्क्रीन जुड़ी हुई है जो ये है, क्या है? इस स्क्रीन के साथ में एक स्क्रीन जुड़ी हुई है जो ये जुड़ी हुई है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सटेंड। क्या बोलते हैं? एक्सटेंड। अब कोई क्लाइंट है जो प्रेजेंटेशन देना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अपनी फाइल को खोलेगा। जब मैंने फाइल खोली, ठीक है, तो लैपटॉप में तो ये फाइल आ गई, बट मेरे सामने ये फाइल नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही? फाइल कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहां से उठाऊंगा, ठीक है, और इसको यहां से साइड में ले जाके क्या हो गया, ये साइड में ले गया और इस वाली स्क्रीन पे ले आया, ठीक है, तो ये एक्सटेंड हो गया। क्या हो गया? एक्सटेंड। क्या हो गया? एक्सटेंड, ठीक है। अब मैं फाइल को देख सकता हूं, अंडरस्टैंड माय वर्ड, बट क्लाइंट क्या कहेगा कि मुझे एक्सटेंड स्क्रीन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? एक्सटेंड स्क्रीन नहीं चाहिए मुझे, तो वही काम दिखना जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा है वो मुझे क्या दिखाना है, जो लैपटॉप पे दिख रहा है वही मुझे यहाँ दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा? विंडो प्लस पी, विंडो प्लस पी, विंडो प्लस पी दबाओ, विंडो प्लस पी दबाया, विंडो प्लस पी दबाओगे तो ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है, ये ऑप्शंस आ गए, तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा डुप्लीकेट। क्या करूंगा? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है जी। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया ये आ गया आपके पास ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास इस लैपटॉप में भी आप सेम स्क्रीन आ रही है और स्क्रीन पे भी आपके पास सेम स्क्रीन आ रही है। अब आपने इसको क्लोज किया यहां से इस फाइल को, और अब मैं आ गया हूं डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहां पे देखो सामने स्क्रीन को 6x8 की है, बट मेरा विजुअल आ रहा है छोटा, क्या आ रहा है? छोटा विजुअल आ रहा है, तो मैं क्या ऑप्शन करूंगा? मैं जाऊंगा राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, राइट क्लिक क्लिक करो, राइट क्लिक करो, क्लिक करूंगा तो मेरे पास सबसे नीचे से दूसरा ऑप्शन आ रहा है, सबसे नीचे से दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? डिस्प्ले सेटिंग। क्या है? डिस्प्ले सेटिंग। क्या है? डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग,
ठीक है। अब मैं डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास आ गया है डिस्प्ले सेटिंग का मेन्यू। क्या आ गया है? डिस्प्ले सेटिंग का मेन्यू। अब मैं इसको स्लाइड को नीचे करूंगा, नीचे करो स्लाइड को। जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है रिजोल्यूशन। क्या आ रहा है? रिजोल्यूशन। अभी मेरा रिजोल्यूशन क्या सेट है? 1920 गुना 1080। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। क्या आ गए हैं? ऑप्शंस आ गए हैं। ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं उसमें सेट करके देखूंगा, ताकि मेरे ऊपर और नीचे का जो एरिया है वो सेट हो सके। ठीक है, क्या हो सके? कवर हो सके, सेट हो सके। एक ऑप्शन ये है, दूसरा एक ऑप्शन और है। स्टार्टिंग में डिस्प्ले वाले में डिस्प्ले वाले स्टार्टिंग साइज स्क्रीन का। हाँ, सबसे पहले वाले में ये एक्सपेक्ट रेशियो सेकंड नंबर। हाँ ठीक है, ये यही है सर, रियल हो गया। ठीक है, मैं कहाँ गया? सबसे पहले मैं गया प्रोजेक्टर के मेन्यू बटन को दबाया। क्या दबाया? मेन्यू बटन को मैंने दबाया। ठीक है, प्रोजेक्टर के मेन्यू बटन को दबाया, मेन्यू बटन को दबाया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में मेरे पास आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन मेरा होता है डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए आपका, लिखा होगा डिस्प्ले। क्या लिखा है? डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ एक्सेप्टेड रेशो, एक्सपेक्टेड रेशो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेशो मेरी क्या है अभी? रियल। रियल ठीक है, रियल को मैं चेंज करूंगा, चेंज करो। ठीक है, जैसे मैंने 4:4:3 किया, क्या किया? 4:3 तो मेरा स्क्रीन का साइज बड़ा हो गया। ठीक है, स्क्रैच होते बड़ा हो गया। ठीक है, अब मेरे क्लाइंट खुश हो जाएगा, मेरा क्लाइंट हैप्पी रहेगा, क्योंकि मैंने काफी एरिया कवर अप कर दिया है। तो इसको ओके करो, बीच का बटन दबाओ, ओके। ठीक है, अब एग्जिट का बटन दबाओ, मेन्यू का बटन दबा दो वापिस। ठीक है, मेन्यू का बटन दबाया। अब मुझे इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करता, इसके साइज चेंज कर करके देखता और इसको खींचता के लंबा थोड़ा करता। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को जरूरत नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज इसको करना पड़े तो जरा इसको चेंज करके दिखाओ। इस पे क्लिक करो, क्लिक करो। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो फिर चेंज हो गया साइज। ठीक है, तो कीप चेंज पे क्लिक करो। तो जो मैंने साइज अभी सेट किया था, ठीक है, 16:900 तो 16:900 ठीक है, 16:900 हमारा साइज आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा वाइट जा रहा है तो इसको थोड़ा छोटा मोटा करके देख सकते हैं। नहीं सर, वो तो स्क्रीन हिल गई है ना सर, वहां जाके डिस्प्ले से ऑटो पे कर दो, ऑटो पे अपने आप आ जाएगा। ऑटो पे अगर आप करोगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ऑटो पे करने का फायदा रहता है कि आप 6:4 सेट कर रहे हो, कोई भी स्क्रीन सेट करते हो, ठीक है, तो 6:4 और उसमें आपका अनुपातिक रेशो में उठता है। ठीक है, प्रोजेक्टर अपने सेंसर के अकॉर्डिंग उठाता है। अब आपने ये तो 6:8 में लगा दिया, यही जब आप 6:4 में लेके जाओगे ना लगाने के लिए, तब वो क्लाइंट कहेगा यार ये क्या ऊपर नीचे जा रहा है। तो आपको वापस से जाना है मेन्यू बटन, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा डिस्प्ले, क्या आ गया? डिस्प्ले। सबसे नीचे वाला बटन दबाना है, नीचे करने वाला। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन पे जाना है एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है, और इसमें जो साइज आ रहे हैं वो अलग अलग चेंज करके देख लो, 16:9 ठीक है, 16:10 ऑटो। ठीक है, जहां पे आपकी स्क्रीन सेट हो वहां पे सेट कर दो। ठीक है, जो आपके कंफर्टेबल जोन में आए। ठीक है, अब जब मैंने ऑटो कर दिया है तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन का साइज है उसके अकॉर्डिंग उसने साइज उठा लिया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है जो आपको सॉर्ट आउट करनी होती है। दूसरी चीज क्या? ये तो आ गया, ऑडियो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि HDMI केबल लगा रखी है। क्या लगा रखी है? प्रोजेक्टर में HDMI केबल लगाई और ऑडियो गई गुल। अब क्या करोगे? USB। अब कैसे लगे, आउटपुट कैसे लोगे? ऑप्शन नंबर वन, प्रोजेक्टर के पीछे ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर वन क्या है? ऑडियो आउटपुट। आपका लैपटॉप से आउटपुट लेने की बजाय, ठीक है, आप ऑडियो चैनल जो 3.5 mm का जैक होता है उसको सीधा लगाओ प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर में लगाओगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, मिल जाना है। ठीक है,
जैसे कोई म्यूजिक होगा वैसे गाना कब है 8 बजे 22 तो यहीं पर ही हो गए। सुनो अब देखो साउंड कहाँ से आ रही है? लैपटॉप में से। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से सेटिंग की हुई है, ठीक है ना, मैंने पहले से सेटिंग की हुई है इसलिए साउंड लैपटॉप में से आ रही है। अदरवाइज सेटिंग नहीं की होती तो साउंड लैपटॉप में से नहीं आती। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सेटिंग करनी है कि वो साउंड HDMI से आए, आउटपुट किसमें आए? HDMI में, तो मैं क्या करूंगा, आ जाओ सर, परमेश सर आ जाओ, वो बाद में पैक हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरे लैपटॉप में साउंड आ रही है, किससे आ रही है? लैपटॉप में। अब मैं चाहूंगा कि HDMI से साउंड आए, ठीक है। HDMI से साउंड चेक करने के लिए मुझे, मैं एक बार पहले जो प्रोजेक्टर में स्पीकर होता है इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, प्रोजेक्टर की वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ क्योंकि अभी हमने स्पीकर नहीं लगा रखे हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, किस पे क्लिक करूंगा? स्पीकर पे। स्पीकर का जो निशान है लैपटॉप में टाइम के बगल में, ठीक है, उस पे मैंने राइट क्लिक किया। मैडम इधर फोकस कर लोगे तो इजी रहेगा, ठीक है, दिख रहा है मैम वो आपका अभी दिख रहा है, बट जब आप वीडियो को चलाओगे ना बाद में तब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मैंने क्या क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, स्पीकर, इस पे क्लिक किया, मैं साउंड में गया, किस में गया? साउंड में, ठीक है, साउंड में मैं गया, साउंड में मेरे पास ऑप्शन आ गए ये, ठीक है जी। अब साउंड में ऑप्शन आ गए, अब मैं गया प्लेबैक में, प्लेबैक में मैंने जाके देखा HDMI BenQ ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको मैं करूंगा सेट डिफॉल्ट। क्या करूंगा? क्या करूंगा? सबसे पहले मैं गया स्पीकर, स्पीकर के बाद में किस पे गया? किस पे गया? साउंड। साउंड के बाद में किस पे गया? प्लेबैक। किस पे गया? प्लेबैक। प्लेबैक के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं हेडफोन, स्पीकर और BenQ, ठीक है, जो प्रोजेक्टर का नाम है BenQ। BenQ को मैं क्या कर रहा हूँ? सेट डिफॉल्ट। क्या कर रहा हूँ? सेट डिफॉल्ट, ठीक है, मैंने सेट डिफॉल्ट कर दिया और अब ओके कर दिया। अब देखो, ठीक है, अब मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ, अब मेरी साउंड किससे आई? प्रोजेक्टर से। किससे आ रही है? प्रोजेक्टर। अब मेरी साउंड प्रोजेक्टर से आ रही है, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। अब आपके पास एक इसमें क्या आउटपुट है, क्या तो आप प्रोजेक्टर से आउटपुट ले लो, ठीक है, प्रोजेक्टर से आउटपुट लिया और स्पीकर से कनेक्ट कर दिया। किससे क्या लिया? प्रोजेक्टर से ऑडियो आउट। प्रोजेक्टर में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑडियो इन, एक होता है ऑडियो आउट, ठीक है, एक होता है ऑडियो इन, एक होता है ऑडियो, ये वाला ऑडियो इन और ऑडियो आउट, ठीक है, ऑडियो इन, ऑडियो आउट। ऑडियो आउट में मुझे केबल लगानी, किसमें लगानी है? ऑडियो आउट में, ऑडियो इन में नहीं लगानी, ऑडियो आउट में, क्योंकि मुझे अपने स्पीकर को साउंड देनी है, ठीक है, क्या देनी है? साउंड देनी है अपने स्पीकर को। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सपोज करो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्लाइंट कहता है मेरे लैपटॉप से ही अटैच करो, क्या कहता है? लैपटॉप से अटैच करो, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा साउंड में, ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं किसमें जाऊंगा? सबसे फर्स्ट ऑप्शन, सबसे नीचे से सेकंड ऑप्शन साउंड, ठीक है, साउंड पे मैंने क्लिक किया, प्लेबैक, ठीक है, प्लेबैक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे प्लेबैक पे मैंने क्लिक किया, और अब मुझे देना है आउटपुट इसमें 3.5 mm का जैक जो मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है, तो मैं हेडफोन में दूंगा, तो हेडफोन को सेट डिफॉल्ट करूंगा, किससे करूंगा? हेडफोन को सेट डिफॉल्ट, क्योंकि हेडफोन कनेक्ट नहीं है तो इसमें सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीकर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पे सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट के पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो अब मेरी जो साउंड है वो मेरे लैपटॉप के स्पीकर पे आनी शुरू हो जाएगी।
अब जैसे मैंने किया, अब ये साउंड लैपटॉप के स्पीकर पे आनी शुरू हो गई है। अंडरस्टैंड माय वर्ड? ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स आपको करनी होती है। क्या करनी होती है? सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है, और इससे आपकी कंप्लेंट्स नहीं आएगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी।